बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके साथ फ्राइड चिकन विंग्स की रेसिपी शेयर करूंगी। ये फ्राइड चिकन विंग्स हमारे घर में कई सालों से मैं बना रही हूं। ना तो मैंने ये किसी से सीखा है और ना ही मैंने कहीं देखा है, ये मेरी अपनी ही रेसिपी बनाई हुई है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। तो चलिए आइए, सबसे पहले चीज़ें नोट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास 2 पाउंड चिकन के विंग्स हैं। इनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करके वॉश कर लिया है, विदाउट स्किन है। गार्लिक पेस्ट हमें चाहिए होगी 1 टीस्पून, जिंजर पेस्ट 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ही हमें क्रश्ड चिली का चाहिए। पिसी हुई काली मिर्चें हमें चाहिए 1/2 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, 1/3 कप हमारे पास पानी का है। तो चलिए आइए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे। ये जो हमारे पास पानी था इसको ऐड करेंगे, गार्लिक जो 1 टीस्पून इसको ऐड करेंगे, गार्लिक एंड जिंजर 1 टीस्पून हमने ऐड कर लिए। अब हम क्रश्ड चिली का 1 टीस्पून जो लिया था उसको भी ऐड करेंगे और साथ ही हम अपने ये विंग्स भी डाल देंगे। वन टीस्पून सॉल्ट ले रहे हैं, 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। पानी ज़्यादा हमने बिल्कुल नहीं डालना, ओनली थोड़ा सा ही पानी हमें चाहिए होगा कि जले ना। इसी स्टीम में चिकन को हमने पकाना है। ये विंग्स हम कच्चे फ्राई नहीं करते, इसको हम थोड़ा सा स्टीम देकर पहले गला लेते हैं, फिर कभी भी चिकन के अंदर से कोई स्मेल वगैरह खाते वक्त नहीं आती। अब हम ढक देंगे और इसको 10-12 मिनट तक स्लो से मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। अब हम नेक्स्ट स्टेप रेडी कर लेते हैं, जो हमें चिकन विंग्स को फ्राई करने के लिए मैरिनेशन चाहिए होगी। उसमें मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून योगर्ट, मेरे पास काफ़ी थिक योगर्ट है, 1 टीस्पून गार्लिक पिसी हुई गार्लिक और 1 टीस्पून ही अदरक का चाहिए। मैदा हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून, प्लेन मैदा है, 1 टेबलस्पून भर के हमें बेसन का चाहिए। ज़्यादा बेसन नहीं लेना हमने, बेसन का फ्लेवर नहीं आना चाहिए हमारे विंग्स में। अब ड्राई मसालों में हम लेंगे 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून क्रश्ड, दोनों मिलाकर 1 हो जाएंगे, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून फुल धनिया पाउडर, 1 टीस्पून फुल गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी, कश्मीरी रेड चिली पाउडर हमें 1 टीस्पून चाहिए। इसके साथ कलर बहुत अच्छा आता है, ये काफ़ी ब्राइट कलर होता है, इससे हमारे विंग्स का कलर बहुत अच्छा आएगा। पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, लेमन जूस हमें चाहिए 1 टीस्पून, आप चाहें तो फ्रेश लेमन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे घर में फ्रेश नहीं है तो मैं ये बॉटल वाला यूज़ कर रही हूँ। अच्छी तरह से आप मिक्स करके थोड़ा सा पानी लगाएंगे, इसकी एक पेस्ट बना लेंगे थिक सी। एक एग हमें चाहिए होगा,
1 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स का चाहिए, 1 तरीके से हम इस पेस्ट को मिक्स करेंगे। ये देखें बहुत ही प्यारा कलर आया। डबल हमने मैदे का क्वांटिटी में लेना है मैदे को, और सिंगल क्वांटिटी हमारी होगी बेसन की, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा बेसन डाल दिया तो इसमें बेसन का टेस्ट आएगा जैसे पकोड़े होते हैं, हमें पकोड़ों का टेस्ट नहीं चाहिए इसमें। 1 टीस्पून सॉल्ट का लेंगे। सॉल्ट को आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून क्यूमन सीड का भी डाला है, ज़ीरे का। विंग्स हमारे गल गए हैं, ये हमने 80% विंग्स को गला लिया है, 20% हम जब फ्राई करेंगे ये खुद ही गल जाएंगे, तो इसको कूल थोड़ा सा मैंने कर लिया है। बहुत ज़्यादा गर्म विंग्स हम इसमें पेस्ट में नहीं ऐड करेंगे, तो मैंने थोड़ा सा कूल कर लिया। अब 1 by 1 हम इस पेस्ट में डाल देंगे। ऑयल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, ऑयल अब हमारा गर्म हो गया। ये जो सारे विंग्स थे वो मैंने सब पेस्ट में एक एक करके सबको डिप कर करके ऐसे रेडी करके मिक्स करके रख लिया था। आप इसी पॉइंट पर इसी तरह मसाले लगाकर ऐसे ही आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, 4-5 घंटों के लिए भी रख सकते हैं। इवन यहाँ तक कि मैंने कई बार इसको ओवरनाइट भी रखा है, और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा दूसरे दिन इसी तरह हम निकालेंगे। कोई मेहमान आएगा या हम अपनी फैमिली में सर्व करने के लिए बनाना हो तो हम इसी तरह निकाल कर फ्राई कर लेंगे। अब हम ऑयल में 1 by 1 करके डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईच टाइम पर 2-3 मिनट रखेंगे। पहले हम 2-3 मिनट तक वन साइड से फ्राई करेंगे, फिर हम इसकी साइड को पलट देंगे। इसको मीडियम फ्लेम पर हमने फ्राई करना है। लो पर फ्राई करेंगे तो सारा ऊपर से मसाला हमारा उतर जाएगा, और अगर हमने हाई फ्लेम पर ज़्यादा गर्म तेल में इसको फ्राई किया तब भी हमारा जो है ना वो विंग्स का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसको हमने मीडियम आँच पर रख कर फ्राई करना है। 80% तो हमने ऑलरेडी विंग्स को स्टीम में गला लिया था, 20% जो बाकी बचा है अब हम फ्राई करते हुए इसको गला लें। खुद ही ये गल जाता है जब हम फ्राई करते हैं। कच्चे विंग्स जो होते हैं ना वो एक डिफरेंट रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इस तरह करने से बहुत ही ज़्यादा इजीली बना सकते हैं। इवन स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही ईजी हो जाता है। अब हम साइड को पलट लेते हैं। अगर हाथ से डालते हुए डर लगता है या कुछ मसला है तो फिर हम ऐसे भी उठाकर किसी चीज़ से डाल सकते हैं। ये जो थोड़ा सा मसाला हमारे पास बच गया था इसको हम ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आलू को ऐसे स्लाइसेस में काट कर चिप्स की तरह हम इसको इसमें डिप करके फ्राई करेंगे।
इस तरह फिर हम सब आलूओं को ये सारा मसाला लगा लेंगे और वन बाय वन इनको भी फ्राई कर लेंगे। कभी भी ऐसा मसाला बच जाए तो हमने ज़ाया नहीं करना। इसी तरह कभी ब्रेड लगा कर, कभी आलू लगा कर हम फ्राई कर लेंगे। मैंने कहा ये भी मेरी टिप है, मैं आपसे शेयर कर लूँ। अब हमारे फ्राइड चिकन बन के तैयार हैं, बहुत ही अच्छे और बहुत ही टेस्टी रियली बन के तैयार हुए हैं। आप भी मेरी इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए इसी तरह बनाएं, आपके भी इंशाल्लाह ताला इसी तरह तैयार होंगे। जब आप खाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितने रियली टेस्टी हैं। देखने में तो ये अच्छे लग ही रहे हैं, खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वही पोटैटो हैं जो मैंने थोड़ा सा मिक्सचर बच गया था उसमें डिप करके इनको भी फ्राई कर लिया था। ये भी चिकन विंग्स के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपनों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। फिर मिलेंगे मेरी बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।